जिस देश में चुनाव के वक्त दलित नागरिकों के घर खाना खाने, दलितों के घर रुकने और दलित सम्मेलन कराने की सियासत चलती है, तब वहां एक बड़ी खबर गुजरात से सामने आई है। गुजरात में दलित का अंगूठा कार्ड देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि गुजरात के पाटन में दलित बच्चे ने क्रिकेट खेलते लोगों की गेंद छू ली, जिसके बाद आरोप है कि दबंगों ने जाति सूचक गाली बच्चे को दी। दलित बच्चे के चाचा ने आपत्ति की तो दावा है कि दबंगों ने घर पर हमला करके बाद में दलित युवक कीर्ति का अंगूठा काट दिया। इस विवाद में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर कराई गई है। क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो विटनेस है, विटनेस के ऊपर जो एक्यूज हैं, उन्होंने हथियार से हमला किया, उसमें उसका एक अंगूठा कट गया। अभी वो हॉस्पिटल में है। एट्रोसिटी एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। टोटल 7 एक्यूज हैं, उनका एविडेंस की अभी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द ये जो एक्यूज है उनको अरेस्ट किया जाएगा। गोपी घंगर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, सीधा से सवाल है, अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? क्या जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए, जो आरोपी है उनमें से 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 7 में से 4 लोगों को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस के जो नेता है जिग्नेश मेवानी, वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने पाटन बंद का ऐलान दिया है। आज जिग्नेश मेवानी पूरे परिवार के साथ गुजरात के जो डीजीपी है विकास सहाय, उनको मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और उसके बाद ये जो पूरा मामला है, क्योंकि कल जिग्नेश मेवानी अस्पताल में गए थे जहां पे जो अंगूठा काट दिया गया है, जो बच्चा था उसके चाचा जो बच्चे को लेकर वहां पे गए थे, बातचीत कर रहे थे और अचानक ही तलवार से हमला किया गया और उस शख्स का अंगूठा काट दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो भी कार्यवाही कर रही है। 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो राजनीतिक दबाव है वो भी जिग्नेश मेवानी की ओर से बनाया जा रहा है और जिग्नेश मेवानी की ओर से कल पाटन बंद का ऐलान भी दिया गया है। अब इस पूरे मामले में एक राजनीतिक रूप जो है वो लेता हुआ ये पूरा मामला दिख रहा है। क्योंकि बहुत शुक्रिया गोपी पूरी जानकारी के लिए। राजनीति से ज्यादा इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए, इस खबर पर आगे भी आज तक की नजर बनी रहेगी। उधर अहमदाबाद के बाद अगली खबर भी ऐसी ही है, जिसे देखकर सवाल उठता है कि आखिर जातिवाद की राजनीति ने क्या समाज को जाति के दलदल से निकलने ही नहीं दिया है? खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आई है। छतरपुर में दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर निकला तो दबंगों ने पथराव किया। फिर पुलिस आई तब पुलिस के पहरे में दलित दूल्हा अपनी बारात घोड़ी पर चढ़कर निकाल पाया है। पुलिस के पहरे में एक दूल्हा अपनी बारात को निकालता है, ये तस्वीरें आप देखिए। दलित दूल्हे के घोड़ी पर चढ़ने पर दबंगों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ गया, तब जाकर दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ पाया। भोपाल से इस वक्त रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे और ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, बारात तो निकल गई, शादी भी हो गई, लेकिन ये बताइए जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है पुलिस ने, ताकि दोबारा ऐसी हरकत कोई दूसरा ना कर सके? देखिए चित्रा, इस पूरे मामले में फिलहाल 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें से 20 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। ये इसी गांव के स्थानीय दबंग लोग हैं जो लगातार दलितों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करते रहे हैं। जब भी कोई दलितों के घर में कार्यक्रम होता है या कोई शुभ सम्मेलन कार्यक्रम होता है तो उसको लेकर के दबंग पहले से ही कई बार अपनी आवाज उठाते रहे हैं और कई बार व्यवधान भी पैदा करते रहे हैं। ऐसे ही 20 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन चित्रा, इससे कहीं ज्यादा गंभीर बात यह है कि मध्य प्रदेश में यह पहली बार नहीं, इस तरह की घटनाओं का एक लंबा सिलसिला पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है। आज आप छतरपुर की घटना को आज देख रहे हैं, लेकिन इससे एक महीने पहले ही हम आपको बता दें कि मंदसौर में एक घटना हुई थी जहां पर बीएसएफ का एक जवान, सोचिए बीएसएफ का वो जवान था, लेकिन क्योंकि वो निम्न जाति से आता था तो स्थानीय दबंगों ने उसकी शादी नहीं होने दी थी, काफी वहां पर हंगामा हुआ था, तब भी बीएसएफ जवान की जो बारात है वो पुलिस के साये में निकली थी। उज्जैन जिले की बात करें भाटपचलाना थाने की, तो वहां पर भी दबंगों ने रास्ते में कांटे बिछा दिए थे कि दलितों की बारात ना निकल जाए।
देवास में अभी हाल ही की एक और घटना हुई है, देवास जिले की हम बात बता दें, नागचोद गांव की, वहां पर भी दबंग जो है उन्होंने दलितों की बारात नहीं निकलने दी थी। तो मध्य प्रदेश में ये इस तरीके से एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। रवीश पाल सिंह, इस पूरी जानकारी के लिए, जो तथाकथित दबंग है उनके खिलाफ दबंग वाली कार्रवाई अगर होगी, कड़ा एक्शन होगा, तभी ऐसे लोगों में सुधार होगा और दोबारा इस तरह की खबरें देश के सामने नहीं आएंगी जो अपने आप में बेहद शर्मसार करती हैं।